सपोज आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने एक वायर को सस्पेंड कर लिया सीलिंग से, छत से टांग दिया, एंड स्ट्रेच्ड अंडर इट्स ओन वेट. उसका भार ही इतना ज्यादा था कि मास लगाने की जरूरत ही नहीं है, वायर का भार ही इतना है कि वो खुद ही क्या हो गई, इलोंगेट हो गई. तो आपको ये बताने कि डेल्टा एल क्या होगा. अब हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, हमने आज तक ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि ये आपकी वायर है, इस वायर की लेंथ एल है और हम मास यहां लगाते हैं एम, और ये लेंथ मासलेस होती है, मास तो लेते ही नहीं. तो हम यंग्स मॉडुलस का जब फॉर्मूला इस वायर के लिए लगाते हैं तो फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल लगा के अपना अपना आंसर निकालते हैं, और लेंथ क्या लेते हैं, पूरी की पूरी लेंथ एल, डेल्टा एल आ जाता है. इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वायर है इसके नीचे कोई मास नहीं है, इसका खुद का ही बड़ा मास है. अब वायर का अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो मास कहां पर पड़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पे. सारा का सारा वेट सेंटर ऑफ मास पे है, जिस वजह से लंबी हो जाएगी. तो यंग्स मॉडुलस में फोर्स बाय एरिया, फोर्स में पूरी रॉड का या पूरी वायर का मास लेना है, पूरी वायर का वेट लेना है, एम जी बाई एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल. अब एल नहीं लेना क्योंकि सारा का सारा मास कहाँ एज्यूम किया जा रहा है, सेंटर ऑफ मास पे. तो तुमने लेंथ क्या लेनी है, एल बाई टू लेनी है, ये एग्जाम्पल है. तो अगर ओन वेट आ जाए तो आपने उस रॉड का क्या या उस स्ट्रिंग का क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास लेना है. तो आपने लेंथ सेंटर ऑफ मास की लेनी है. लेकिन एक स्टूडेंट बोला सर पहले तो आपने कभी बात की नहीं है सेंटर ऑफ मास वाली. मैंने की, ये देखो ये मान लो मासलेस है, कोई इसका मास नहीं है, ये मास है एम. तो मैं तो अब भी ये कह रहा था सेंटर ऑफ मास से ले लो, ये पॉइंट मास है, सेंटर ऑफ मास से हाइट क्या है इसकी, एल. कि वायर की, वायर का कोई मास तो है नहीं, तो हम टोटल लेंथ एल लेते हैं. टोटल लेंथ एल लेने का मतलब उस एम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहा हूं मैं. लेकिन क्या होगा अगर वायर का मास भी है एंड ब्लॉक का मास भी है, अब क्या करें, पहले इसका और इसका दोनों का नया सेंटर ऑफ मास आएगा, जो भी वो आएगा वो लेंथ लेनी पड़ेगी, वो आंसर होगा. तो अगर दोनों का मास है, वायर का मास भी है और ब्लॉक का मास भी है, तो फिर दोनों का पहले सेंटर ऑफ मास निकलेगा, जहां पे निकलेगा वो लेंथ के साथ आंसर आएगा. तो समझ में आ रहा है यहां तक ट्रिक. तो इस केस में तो अकेली वायर ही है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ओन वेट की वजह से नीचे आ रहा है, तो फिर इसमें ये लगा लेना एम जी बाई एरिया डेल्टा एल बाई एल, मत लगाना एल बाई टू लगाना. तो पहला ट्रिक क्लियर है. दूसरा, इलास्टिक स्प्रिंग स्प्रिंग की तरह काम करती है, कि स्प्रिंग भी इलास्टिक है, स्ट्रिंग भी इलास्टिक है. तो आपको गिवन है स्ट्रिंग, रस्सी गिवन है, और आपको उस रस्सी का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालना है, उसको मानना है अपने मन में कि वो स्प्रिंग है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, आपने सपोज एक वायर को आपने स्ट्रेच किया, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन होगा फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल. और हमने स्प्रिंग में क्या किया था, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एल. यहां से के का मतलब क्या है, एफ बाय डेल्टा एल. एफ बाय डेल्टा एल की जगह क्या पुट करेंगे, के. तो ये आपके पास के का फॉर्मूला आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट का. इसका मतलब अगर एक वायर है जो कि इलास्टिक है, उसका यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है, पर आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, के इज इक्वल टू वाई ए बाय एल काम आएगा. तो कैसे यंग्स मॉडुलस को स्प्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला काम आएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर. आपको गिवन वाई है लेकिन काम वो स्प्रिंग का लेगा, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड यंग्स मॉडुलस. क्लियर है यहां तक. जैसे अगर आपको दो वायर्स गिवन है, दोनों वायर्स किसमें गिवन है, पैरेलल में, और नीचे मास एम लगा दिया और आपसे ये बोल दिया कि दोनों इलास्टिक हैं, दोनों के यंग्स मॉडुलस गिवन है वाई वन एंड वाई टू, और आपसे ये बोला कि दो वायर की जगह एक वायर लगाओ इलास्टिक वायर जो वही काम करे जो दो मिलके करती हैं, ये दोनों इलास्टिक वायर की जगह एक वायर लगा दो, उसका इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस क्या होगा. अब ये करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्प्रिंग है. तो मैं y को k में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये मान लेता हूँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है विद स्प्रिंग कांस्टेंट k1, और दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है विद स्प्रिंग कांस्टेंट k2. और अगर दो स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं, तो हमने वर्क एनर्जी पार में एक फॉर्मूला किया था, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, k1 प्लस k2. तो मेरा क्वेश्चन में मुझे y गिवन होगा, तो कोई बात नहीं, मुझे k
को वाई में लिखना आता है, तो के वन की जगह क्या लिखेंगे, वाई वन, एरिया दोनों वायर्स का ए है और लेंथ एल है, तो वाई वन एरिया बाई लेंथ, इसके अंदर वाई टू एरिया बाई लेंथ, और जब दो वायर की जगह एक वायर लगानी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब दो की जगह एक वायर लगेगी तो उसकी लेंथ तो सेम रखनी है, पर इस वायर को आपको थोड़ा सा मोटा रखना पड़ेगा, यानी कि एरिया आपको, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको डबल रखना पड़ेगा, थोड़ी मोटी वायर लगानी पड़ेगी, तो इसलिए नोट करें जो इक्विवेलेंट वायर बनेगी वो y इंटू टू ए बाई एल बनेगी, लेंथ नहीं चेंज करना, 2a चेंज करना है, तो यहाँ पर a और a है और यहाँ पर क्या है 2a है, तो यहाँ से एरिया और लेंथ को कैंसिल करेंगे, एरिया लेंथ को कैंसिल करके y, y1 और y2 का ये फॉर्मूला आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग इक्विवेलेंट y की वैल्यू निकालो, तो ये ऑप्शन मार्क करना है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एरिया डिफरेंट है, a1 है a2 है, तो भाई यहाँ पर a1 पुट करना, यहाँ a2 पुट करना, यहाँ a1 प्लस a2 पुट करना, लेंथ सेम रहती है पैरेलल में, सीरीज में लेंथ की वैल्यू चेंज करेंगे, एरिया सेम रखेंगे, ये ट्रिक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन सीरीज में आ गया, सीरीज के अंदर दो स्ट्रिंग्स हैं वाई वन वाई टू, दो की जगह एक स्ट्रिंग लगानी है जो सेम काम करेगी जो ये दो मिलकर करेंगी, तो सीरीज के अंदर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या था, वन बाई के एस इज वाई वन के वन प्लस वन बाई के टू, तो यहाँ से के एस की वैल्यू ये इसके इक्वल आ गई, ये आपके पास क्या आ गया, के ऑफ एस आ गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के वन क्या है, y1 a by l, y2 a by l, y1 a by l, y2 a by l, लेकिन जो नई वायर बनेगी उसकी लेंथ l प्लस l क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, लेंथ नहीं चेंज करनी, एरिया भी सेम रखना, क्योंकि इसका a तो सबका a ही रहेगा, सीरीज में एरिया सेम रहता है, लेंथ डबल होती है, पैरल में एरिया डबल होता है, लेंथ सेम रहती है, सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करके ये आंसर आएगा, इसे इक्वेट करके y का ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क कर लेना, 2y1 y2 by y1 plus y2। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर स्प्रिंग सीरीज में होंगे तो क्या करना है, स्प्रिंग पैरेलल में होंगे तो क्या करना है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालना है, अगर दो स्ट्रिंग्स सीरीज में होंगी विद अ यंग्स मॉडुलस और पैरेलल में होंगी विद अ सम यंग्स मॉडुलस तो क्या करना है, ये फॉर्मूलास को आप सीधा ऑब्जेक्टिव में लगाना, सब्जेक्टिव में मेरे को डाउट है कि आए ना आए, ऑब्जेक्टिव में तो आपको खूब दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ट्विस्टिंग ऑफ वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बहुत रेयर है, पर फिर भी मेरे को कभी कभी लगता है, मेरे बुक में पढ़ा हुआ है कि कहीं ये कोई पढ़ के डाल ही ना दे क्वेश्चन, तो मैं एक हिंट दे के छोड़ रहा हूँ कि अगर आपके पास एक इलास्टिक वायर है, आपने छत से टांग दी और आपने उसको क्या किया, इस तरीके से रोटेट कर दिया, मरोड़ दिया, इलास्टिक है ना, छोड़ोगे वापस आ जाएगा, तो अगर आपने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशंस काम करती हैं वो देख लेते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम में मान लो ये बी पॉइंट वायर का यहाँ पे था, आपने जब घुमा दिया इसे ट्विस्ट कर दिया तो बी पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ पर आ गया, बी डैश पे आ गया, तो बी पॉइंट बी डैश पे आ गया, नीचे इसका रेडियस कितना चल रहा है आर, और सेंटर पे एंगल सबटेंडेड कितना है थीटा, एक ट्राइंगल नीचे बनेगा, एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा, यहाँ से लेके ये बी है, यहाँ से लेके बी डैश है, और ये एंगल कितना बनेगा फाइव, क्योंकि वो बी पॉइंट शिफ्ट हो गया ना, तो इस पॉइंट से शिफ्टिंग बी से बी डैश हो गई, मेकिंग एन एंगल ऑफ फाइव, और यहाँ पर कितनी हो गई थीटा। अब अगर तुम सेक्टर की बात करते हो, अगर तुम इस सेक्टर को कंसिडर करो, ये नीचे वाले को, एंगल थीटा इज आर्क, आर्क कौन है, बी बी डैश बाई रेडियस आर, ये देखो एंगल इज बी बी डैश बाई रेडियस आर, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, यहाँ से बी बी डैश निकाल लेना। फिर एक काम करो, ये भी एक सेक्टर लो, ये पूरे का पूरा एक सेक्टर ही तो है, एंगल फाइव इज बी बी डैश बाई रेडियस कितना है L, तो phi is bb dash by L, ये bb dash की वैल्यू आ गई, तो ये भी bb dash है, ये भी bb dash है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करके आपके पास phi की वैल्यू आएगी। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, या कभी आया कि नहीं आया, मुझे ये भी मालूम नहीं है, बट मेरे को इतना पता है कि ट्विस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसका लॉजिक क्या बनेगा। आपको दो एंगल्स गिवन होंगे, दोनों में से एक एंगल वो आपको दे देगा और दूसरा निकालना होगा, तो एंगल इज आर्क बाई रेडियस की हेल्प से आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है तो ये एनसीईआरटी का हर बुक में गिवन है, एनसीईआरटी से लेके, एचसी वर्मा से लेके, डीसी पांडे से लेके, इवन आपके मेंस और नीट के अंदर भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखो प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में अ लाइट रॉड, लाइट रॉड का मतलब इसका मास नहीं है, हल्की रॉड है, इसका कोई मास नहीं है, एक लाइट रॉड है और वो सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ टू वर्टिकल वायर, दो तारों के साथ आपने इनको टांग रखा है। ये रॉड की लंबाई पता है 2 मीटर है, दो वायर के साथ इसको इक्विलिब्रियम में टांगा हुआ है। वन ऑफ द वायर इज मेड ऑफ स्टील और दूसरी वायर किसकी बनी हुई है, ब्रास की। आपको एरिया A1 पता है, स्टील का एरिया A1 पता है, ब्रास का एरिया A2 भी पता है, दोनों एरियाज के बना है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज। अब आगे फाइंड आउट पोजिशन अलॉन्ग द रॉड एट विच अ वेट मस्ट बी सस्पेंडेड टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर्स। वो कह रहे बताओ इस रॉड का खुद का मास तो है नहीं, मैं और एक्स्ट्रा वेट कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँगा मतलब एक्स निकालना है, ताकि दोनों वायर में स्ट्रेस क्या रहे, सेम। और अगला पार्ट, मैं फिर से वेट को कहाँ रखूँ, फिर से एक्स निकालो, जब दोनों वायर्स का स्ट्रेन बराबर है। तो पहले पार्ट में स्ट्रेस सेम करना है, दूसरे पार्ट में स्ट्रेन बराबर करना है, कोई डाउट इसमें? तो स्ट्रेस सेम करें, स्ट्रेस क्या होता है, इसमें मान लेते हैं टेंशन T1 है और इसमें मान लेते हैं टेंशन T2 है, तो बना लेना यहाँ पे, ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है, ये x है तो ये 2 - x है, ये ना, ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर फोर्स कितनी है वायर में, T1 और क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, इसमें फोर्स कितनी है T2, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A2, और वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस क्या रखना है, सेम। तो T1 / A1 इज इक्वल टू T2 / A2, स्ट्रेस सेम कर दिया, स्ट्रेस सेम करके T1 और T2 की रेशियो आ गई, A1 A2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से टेंशन की रेशियो आपके पास आ गई। पर आपने टेंशन थोड़ा निकालनी है, आपने तो x निकालना है, तो अगर आपको x निकालना है तो क्या करेंगे, याद है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है, रॉड कोई मूव थोड़ा ना कर रही है, इसमें कोई टॉर्क थोड़ी ना है, तो बेसिकली क्या है, T1 × x इज इक्वल टू T2 × 2 - x, ऐसे करते थे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, T1 × x फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकलता था, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट। तो T1 × x इज इक्वल टू T2 × 2 - x, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 T2 आ गया, T1 T2 की रेशियो हाफ है, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दी, x आ गया। मेथड समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, अब क्या सेम करना है, स्ट्रेन सेम करना है, फिर से क्वेश्चन निकाल लो। अब y क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय y। अब दोनों का स्ट्रेन सेम करें, पहली वायर में स्ट्रेस कितना है, T1 / A1 / Y1, सेकेंड के अंदर कितना है, T2 / A2 / Y2, तो स्ट्रेन सेम कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से T1 T2 की रेशियो आ गई। आपको दोनों एरियाज पता है, दोनों के यंग मॉडुलस पता है, सॉल्व करके T1 T2 की रेशियो आ गई, एक रेशियो ये आ गई, दूसरी रेशियो तो वही है T1 × x इज T2 × 2 - x, यहाँ से T1 T2 की रेशियो कितनी है, 1, पुट कर दें, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें आंसर है। तो एक बार स्ट्रेस सेम करना है, एक बार स्ट्रेन सेम करना है, वहाँ से T1 और T2 की रेशियो निकालनी है, और एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से टेंशन की रेशियो आएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है? सर बोलो, अब सेकंड लास्ट स्टेप एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेकंड लास्ट ये वाला देखो, यहाँ से T1 T2 की रेशियो आ गई 1, ये रेशियो भी आ गई, यहाँ से T1 / T2 की इक्वेशन लिखो 2 - x / x। अब T1 / T2 को यहाँ 1 पुट कर दो, x आ जाएगा। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सब्जेक्टिव शीट के एंड में किया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मेंस नीट में इतनी बार मिलेगा, मतलब कम से कम 2-2 बार तो आई रखा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता नहीं क्यों उनको लगता है, मतलब है तो बेसिक ही लेकिन पूछा बहुत जाता है। अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, एक स्टील की रॉड है, लेंथ एल है और एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है। देखो जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ये कह के नहीं आते कि इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, बच्चों याद कर लो इलास्टिसिटी में क्या किया था, बता के नहीं आएगा, बस वो पहचान कहाँ से पता लगेगी आपको इलास्टिसिटी की प्रॉब्लम है, यंग्स मॉडुलस, तो बस और कुछ नहीं बोलेगा वो, यंग्स मॉडुलस ही बता देगा कि इसमें इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो यंग्स मॉडुलस है, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जब ये बीच में आ जाए, लास्ट टाइम भी सिखाया था, इसका मतलब पक्का वायर गर्म होने वाली है और गर्म होकर एक्सपैंड होने वाली है, तभी तो अल्फा का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था,
कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा इज हीटेड थ्रू टी डिग्री सेल्सियस। तो आपने वायर को फोर्स लगा के नहीं खींचा, फोर्स लगा के गर्म नहीं, गर्म फोर्स लगा के उसको एक्सपैंड नहीं किया, गर्म करके एक्सपैंड किया, तो वर्क डन कितना लगा ये बताओ। लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन किया था, उसमें फोर्स निकाली थी, इस क्वेश्चन में वर्क डन निकालना है। तो आपको याद होगा ये लास्ट टाइम की थ्योरी, कि मैंने कहा था कि जो चेंज इन लेंथ है वो एल के प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट लगा लो, कांस्टेंट को अल्फा बोलते थे, इसको डेल्टा एल बोलते हैं। तो डेल्टा एल का ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था कि जब जब वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वायर इंक्रीज इन लेंथ शो करेगी, वो इंक्रीज इन लेंथ इसके इक्वल होगी, राइट। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको इसमें फोर्स नहीं निकालनी, आपको वर्क डन निकालना है। मैंने आपको लास्ट टाइम फोर्स निकालनी सिखाई थी, ऐसे सिखाई थी, मैंने कहा था आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लेना, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इस बार किसके इक्वल होगा, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। एल से एल कैंसिल, सॉल्व करके ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स आ गई। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया भी था। तो फोर्स निकालनी आ गई, पर इसमें फोर्स नहीं निकालनी, इसमें तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब फोर्स की वैल्यू हमें आती है निकालनी, ये रही डेल्टा एल नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, ये रहा डेल्टा एल। फिर डेल्टा एल को यही उठा के यहाँ पुट कर दो, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू आएगी। और इसमें राइज इन टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी को रिप्लेस कर दो बाय टी डिग्री सेल्सियस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या PYQ में ये क्वेश्चन आएगा, मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कैसे करना है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल में कैसे एफ निकालना इन टर्म्स ऑफ एल्फा, डेल्टा एल निकालना इन टर्म्स ऑफ एल्फा, ठीक है यहाँ तक। तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा इसमें, ये तो।